हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। ब्रेड की स्टफ्ड कचौड़ी लेकर के आई हूँ। इसे मैंने थोड़ा ट्विस्ट दिया है, लेकिन बहुत ही आसानी से बनते हैं के समय या रात के डिनर के समय भी ले सकते हैं। ब्रेड की कचौड़ी के लिए सबसे पहले हम सॉस की तैयारी करेंगे। सॉस के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया है, उसमें मैंने 2 चम्मच भर करके मैदा डाला है और 2 चम्मच ही मैं इसमें बटर डाल दूँगी और इसे मैं अच्छी तरह चलाते हुए भूनूंगी। हमें इसका केवल कच्चापन दूर करना है मैदे का, बहुत ज़्यादा लाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे अच्छी तरह से भूनते रहना है और लगातार चलाते रहिएगा, नहीं तो मैदा बहुत जल्दी जलने लगता है। और जब ये अच्छी तरह से भून जाएंगे तो मैंने लगभग 400 ml दूध लिया था, उसे मैं डाल दूँगी। दूध में एक बार मैं पूरा नहीं डालूँगी, धीरे धीरे करके डालूँगी, नहीं तो इसमें गांठे पड़ जाएंगी। इसे लगातार चलाते भी रहिएगा जिससे कि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और देखिए, अब मैंने सारे मिल्क को डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से चलाते हुए मैं बिल्कुल गाढ़ा होने दूंगी जिससे कि हमारे सॉस गाढ़े हो जाए और कढ़ाई को थोड़ा छोड़ने लगे। तब तक हमें इसे चलाते रहना है। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके अवश्य बताइएगा। प्लीज़ दोस्तों, अपनी सिस्टर के लिए एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में ही लाइक और शेयर भी कीजिएगा। बेल भी ज़रूर दबा दीजिएगा दोस्तों, जिससे मेरे आने वाले रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अब देखिए, मेरी सॉस गाढ़ी हो गई है। इसे थोड़ी देर और रखने के बाद मैं उतार लूँगी। तैयार हो गए थे, मैंने नीचे से गैस को बंद कर दिया है और मैंने इसमें ग्रेटेड आलू डाला है। 2 से 3 ग्रेटेड आलू आप डाल सकते हैं। 100 ग्राम मैंने इसमें ग्रेट किया हुआ चीज़ डाला है। मैंने थोड़ा सा ग्रीन चिली डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने ग्रीन चिली डाला है। और अब मैं इसमें सबों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट हम इसमें डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी चीज़ में सॉल्ट रहता है। सबसे पहले मैं इसमें मिक्स हर्ब डाल दूँगी, साथ ही मैं ओरिगेनो, और अब मैंने इसमें ब्लैक पेपर डाला है। ब्लैक पेपर भी 1/2 टीस्पून डालिएगा और बाकी ओरिगैनो मिक्सर को हम 1/4 टीस्पून डालेंगे। देखिए, ओरिगैनो मैंने डाला है, वो भी 1/4 टीस्पून है। इसमें पिज़्ज़ा सीजनिंग भी अच्छी लगती है, थोड़ा सा मैं पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल दूँगी। और अब मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाला है, 1/2 टीस्पून मैंने इसमें गार्लिक पाउडर डाल दिया है। सबों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अगर आपके पास गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप ताजे गार्लिक को क्रश करके डाल दीजिए, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। और अब मैंने इसमें चिली फ्लेक्स डाल दिया है। फ्रेंड, चिली फ्लेक्स को मैंने लगभग 1 टीस्पून डाला है क्योंकि इससे बहुत अच्छा लगता है। और अब मैं इसमें चिली सॉस डाल दूँगी, मैंने 1/2 चिली सॉस डाला है। और अब सबों को अच्छी तरह से मिला लूँगी और मिला लेने के बाद हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी हो जाएगी। दोस्तों, मैंने स्टफिंग को थोड़ा ठंडा कर लिया था और इसके बाद मैंने इसमें 1 टीस्पून मेयोनेज डाला है। मेयोनेज आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं भी डाल सकते हैं। और अब मैंने मैदा की स्लरी बना ली है। मैदा की स्लरी को भी हमें गाढ़ा ही रखना है, इसे बिल्कुल पतला नहीं कीजिएगा क्योंकि हमें बस इसमें एक बार डिप करके फिर फ्राई करना है। अब मैं ऑयल को गर्म कर लूँगी। ऑयल का टेम्परेचर भी हमें मीडियम रखना है। गरम हो जाने के बाद आप टेम्परेचर को मीडियम पर कर दीजिएगा ऑयल, लेकिन पहले बार अच्छी तरह से गरम हो जाना चाहिए। और अब मैंने अपनी स्टफिंग में मेयोनेज को अच्छी तरह से मिला लिया है। और अब मैंने ब्रेड के, ब्राउन ब्रेड के राउंडल्स काट लिए थे। राउंड करके काट लेने के बाद मैंने एक पर अपनी फिलिंग को अच्छी तरह से स्प्रेड कर दिया है और दूसरे ब्रेड के कवर राउंडल से मैंने उसे कवर कर दिया है। उसी तरह से मैं अपने सभी ब्रेड में स्प्रेड कर दूंगी स्टफिंग और दूसरे ब्रेड से मैं ढक दूंगी। इसी तरह से मैं सारी अपनी ब्रेड की स्टफिंग को कर दूंगी। और अब मैंने अपने स्टफ्ड किए हुए ब्रेड को मैदे की स्लरी में डुबोया है और उसे मैं ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दूंगी। इसे हमें अच्छी तरह से उलट पलट के फ्राई करना है। ये ब्राउन हो जाएंगे तब तक हमें इसे फ्राई करना है। देखिए, मैंने एक ब्रेड को अच्छी तरह से ब्राउन करके निकाल लिया है। ये दूसरी वाली मैंने डाली है, इसे भी मैं अच्छी तरह से ब्राउन कर लूँगी और निकाल लूँगी। इसी तरह से हम सारी ब्रेड के राउंडल्स को
मैदे की स्लरी में डिप करेंगे और उसे फ्राई करके निकाल लेंगे। इसे निकाल के हम किसी टिश्यू पेपर पर या एब्जॉर्बेंट पेपर पर रखेंगे जिसमें से एक्स्ट्रा ऑयल सोक कर ले। हमें इसे दोनों तरफ से ही ब्राउन करना है दोस्तों। बहुत ही टेस्टी लगेगी ये कचौड़ी, आप ज़रूर बनाइएगा। इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ दीजिए, शाम के चाय के साथ से लेकर इसे रात के डिनर में भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी है। इसी तरह से मैं अपने दूसरे भी ब्रेड की कचौड़ी को तल लूँगी और जब सभी कचौड़ी तल जाएगी तो मैं इसे सर्व कर दूँगी। फ्रेंड्स, उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। प्लीज़ दोस्तों कमेंट करके अवश्य बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और अपनी सिस्टर के चैनल को प्लीज़ दोस्तों अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। कचौड़ी तल गई है और अब मैंने इसे सर्व कर दिया है, तो सॉस चटनी या ऐसे ही भी खा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर हमने वाइट सॉस और चीज़ की फिलिंग की है जो बहुत ही टेस्टी है। मुझे आज्ञा दीजिए, टिल देन बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।